everyone. Hi, I welcome you all to our brand new channel that is An Academy Class Apart. So, फटाफट everyone, जितने भी नए बच्चे हैं एंड इफ यू आर न्यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ An Academy, प्लीज डाउनलोड द An Academy लर्निंग ऐप सो दैट यू कैन एस इन योर एग्जाम्स विद An Academy एंड यू शुड टेक द An Academy प्लस सब्सक्रिप्शन जो आपको मिलेगा फ्लैट 10% ऑफ पे यूजिंग माई कोड दैट इज APRITED. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन everyone, लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दैट हु एम आई. So this is my extra chudus introduction for all of you. I'm Anupriya, your social science educator, and I welcome you all here in this class. I've completed my post-graduation in modern history from Miranda House, Delhi University, mentored almost 10,000 students through live classes, have more than 3 years of experience in online teaching, and I've co-authored 2 books on the subject history for classes 9th and 10th. तो ये तो हो गई मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप सारे बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ रिगार्डिंग द An Academy सब्सक्रिप्शन. सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के लिए, बिकॉज स्कूल की क्लासेस तो होते ही है, बट समवेयर यू गाइज नीड कि कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ लेते हैं, है ना, ताकि अपने एग्जाम्स में टॉप करें बाकी बच्चों की तरह अपने कॉम्पिटिटर्स से. तो यहाँ पर आपका साथी है An Academy लर्निंग ऐप, वेयर यू कैन टेक An Academy सब्सक्रिप्शन. वी हैव 2 kinds ऑफ सब्सक्रिप्शन here, first one being the plus subscription and the second one being the iconic. So when I'm talking about the plus subscription, please hear out the features और फिर मम्मी पापा के पास जाकर बताना और जल्दी से subscription ले लो. So जब हम plus की बात करते हैं बच्चों लोग, एक आपका single platform है plus platform, जहाँ पर आपके top notch educators वहाँ पर आपको पढ़ाते हैं और उस platform पे आपके बहुत सारे batch courses हैं. You guys can join any batch course that you want and you can learn आराम से from your home. Unlimited access to all the courses here. Regular dot solving sessions होते हैं for your benefits. उसके अलावा एग्जॉस्टिव कवरेज होता है पूरे सिलेबस का. मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलती है जो आप बच्चों को हमेशा चाहिए होता है, छोटू सा इतना सा मोटिवेशन डेली बेसिस पे. उसके अलावा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आप नोट्स के फॉर्म पे यूज कर सकते हो. प्रैक्टिस टेस्ट और क्विजेस में पार्टिसिपेट करो और खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करो. दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट आई डोंट थिंक कि कोई भी अच्छा बच्चा यहाँ पर मिस करना चाहेगा. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग ऑफ An Academy प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लीज नोट डाउन 3 important things. 3 मूल मंत्र है जो मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ. एक है अपना कॉम्बो सब्सक्रिप्शन. ये जो पैकेज है बच्चों, दैट इज कॉमन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स अक्रॉस 9 to 12. यहाँ पर आपको मंथली सब्सक्रिप्शन मिलता है वेरिंग फ्रॉम 3 months to 48 months. और अगर आप यहाँ पर 12 मंथ्स का लेते हो, हमेशा मैं कहती हूँ लंबी मील के बारे में सोचो, लंबी दूरी के बारे में सोचो, क्योंकि 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास में अगर आप हो तो ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो यहाँ पर. अगर आपको 12 मंथ्स का लेना है, आपको मात्र 1125 rupees पे करना पड़ेगा आफ्टर अवेलिंग 10% डिस्काउंट. और उसके लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज APRITED, अनु मैम का शॉर्ट फॉर्म है APRITED. और 10% डिस्काउंट से 10 तो सबको ही याद होगा, बचपन में मेरा रोल नंबर हमेशा 10 ही रहता था. तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आपका 13,500 है. उसी तरीके से अगर आप 15-18 मंथ्स का लेते हो तो मात्र आपको 1,080 rupees पे करना पड़ेगा एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली. सो प्लीज लुक फॉरवर्ड टू द प्राइसिंग ऑफ द An Academy सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन इन डिटेल अलॉन्ग विद iconic. So when I'm talking about iconic subscription, now this is something that everyone wants. I mean, अगर life में iconic बनना है तो iconic subscription लीजिए. ये कौन से amazing features है भाई? So यहाँ पर आपके plus के तो सारे features हैं. उसके अलावा आपको मिलेगा एक personal mentor जो कि app में हमेशा आपके लिए प्रकट हो जाएंगे आपके समस्याओं का समाधान निकालने के लिए. उसके अलावा live dot solution मिलेगा for all the queries that you have in math science. उसके अलावा आप देखो weekly report मिलेगा आपके self evaluation के लिए. पेरेंट्स यहाँ पर मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं जानने के लिए कि बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, आपकी इवैल्यूएशन के लिए होगा. सो समवेयर समथिंग लाइक PTM. उसके अलावा आपको स्टडी प्लानर भी मिलेगा बच्चा, कि आपका जो स्टडी ट्रैकर प्लान है, जो भी आप मंथली बेसिस पे देखते हो करते हो, आपको एक प्लानर भी मिल जाएगा जो आप तैयार कर सकते हो. उसके ऊपर से आपको ट्रैक करने का मिल जाएगा कि हाँ भाई आपने कंप्लीट किया अपने गोल को कि नहीं. तो ये सब कुछ अगर आपको चाहिए, इन शॉर्ट अगर लाइफ में बनना है iconic, तो ले लो iconic सब्सक्रिप्शन. यहाँ भी मूल मंत्र वही है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है 9, 10, 11, 12 का, 3 मंथ से लेके 48 मंथ तक वैरी करता है. आप अगर मेरा कोड यूज करते हो दैट इज APRITED 10, तो आपको मिलेगा सीधे 10% डिस्काउंट. और यहाँ पर आप 12, 15, 18 मंथ्स जो भी मंथ्स का लेना चाहते हो आप फटाफट ले लो. लेकिन हाँ, लंबी दूरी का सोचना ये मत भूलना. अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो तो आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा 2100 rupees. टोटल अमाउंट हो जाएगा 25,200 आफ्टर डिस्काउंट. और मजे से आप पेमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम
अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर हियर दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th. और आपके शायद यूनिट टेस्ट में भी एक ये चैप्टर आ रहा होगा, या जिन बच्चों का हो गया होगा दैट्स गुड, जिनका नहीं होगा उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. और एक बार रिविजन कर लो, रिविजन करने में क्या जाता है ना. So when we are talking about this chapter that is physical features of India, super duper amazing chapter है. It's like आप आस पास होता है ना कि हमेशा आपसे पूछा जाता है are you a mountain person or are you a beach person, ऐसा होता है ना बहुत बार सब कोई पूछते हैं. तो आप जब वादियों को देखते हो अपने आस पास, अपने environment की अगर हम बात करते हैं, the place that you are living in, चाहे वो आप plain area में रहते हो, desert area में रहते हो, चाहे वो आप plateau region में रहते हो, coastal plains में रहते हो, या फिर mountainous region में रहते हो, हर जगह पे आपके कुछ ना कुछ फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में कुछ ना कुछ तो आप विजुअली देखते ही रहते हो. तो जो भी चीज़ें हम आस पास अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं, फिजिकल डिविजन्स जहाँ पर हम रहते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ना है. इन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 6 इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर, इट्स ऑल अबाउट द 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स. काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजे से हम इस चैप्टर को तुरंत कंप्लीट कर लेंगे और आपके सारे डाउट्स यहाँ पर एकदम #CC बोले तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. तो यहाँ पर आपके अगर 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात होती है बच्चों, तो आप ध्यान से पढ़ो और देखो कि आप कौन से रीजन में यहाँ पर रहते हो, एंड ट्राई टू कनेक्ट विद ऑल द थिंग्स. टोपोग्राफी की बात हो रही है, रिलीफ फीचर्स की बात हो रही है, क्लाइमेटिक कंडीशन की बात हो रही है, हर एक चीज को थोड़ा सोचो और देखो कि आपके एरिया में क्या क्या यहाँ पर सिमिलैरिटी है जो भी आप पढ़ने वाले हो. सो द फर्स्ट वन बींग द हिमालयन माउंटेन्स, द माइटी हिमालयस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द सेकेंड वन बींग द नॉर्दर्न प्लेन्स, देन द थर्ड वन बींग द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द आइलैंड्स, द कोस्टल प्लेन्स एंड द इंडियन डेजर्ट. ये हमारे कंट्री के 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स है और इन्हीं के सारे फीचर्स के बारे में वन बाय वन हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे. सो यहाँ पर इंकी पिंकी मोंकी करें या फिर हम लोग बाय गोइंग बाय द नेचर ऑफ द चैप्टर उसी हिसाब से करते हैं, है ना, क्योंकि हम एकदम नॉर्थ से शुरू करते हैं. यानी कि लेट्स टॉक अबाउट द हिमालयन माउंटेन्स एट फर्स्ट. So if we are talking about all these images here, just look at these beautiful scenic images जो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हो. पहला वाला अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप आराम से कह सकते हो कि मैम ये तो थोड़ा sand dunes टाइप का दिख रहा है, मतलब कि ये अपना इंडियन डेजर्ट है ना, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. द मेन एजेंडा ऑफ दिस पुटिंग दिस इमेज हियर इज टू लेट यू आइडेंटिफाई ऑल दीज लैंडस्केप्स जो आप अपने मोबाइल पे देखते हो वॉलपेपर के तौर पे, नहीं तो आप कभी टीवी पे देख लेते हो, नहीं तो आप कभी यूट्यूब पे देख लेते हो, है ना, वर्चुअल टूर करते हो, दैट इज द न्यू नॉर्मल. यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं हिमालयस की, माउंटेन्स की, तो कहीं ना कहीं आप थर्ड फिगर से पूरा रिलेट कर सकते हो. अगर हम बात करते हैं अबाउट द कोस्टल रीजन, तो कहीं ना कहीं आप इस इमेज से यहाँ पर रिलेट कर सकते हो. If we are talking about the plain area, तो आप कहीं ना कहीं इस image से deal कर सकते हो, relate कर सकते हो. Islands की बात करते हैं तो आप इस image से deal कर सकते हो, relate कर सकते हो, है ना. तो मतलब सारे images जो यहाँ पर आप देख रहे हो, somewhere these are the major physiographic divisions of our country. So this is one thing that everyone needs to understand. Now firstly let's talk about the Himalayan mountains. Himalayan mountains में क्या क्या important चीज़ें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो actually हमें समझना है, है ना. तो यहाँ पर अगर हम लोग हिमालयन माउंटेन्स की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिमालयस, दीज आर द यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स दैट स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. So the first question that arises here is that why do we call the Himalayan mountains as the young and fold mountains? आप सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि हिमालयस को हम बोलते हैं young and fold mountains. Now let's try to have a look at all these beautiful images of the Himalayas. तो आपको मन कर रहा है ना देखते ही कि यार चलो यार पहाड़ों पे घूमा जाए. तो बच्चों जब हम हिमालयस की बात करते हैं ना, यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट हिमालयस का जो फॉर्मेशन हुआ था समवेयर फ्यू मिलियन ईयर्स अगो, हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज वाई वी कीप इट इन द अंडर द कैटेगरी ऑफ यंग माउंटेन्स. बट वाई डू वी कॉल इट एज द फोल्ड माउंटेन्स. तो बच्चों आप लोगों ने बचपन में टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में तो पढ़ा ही है,
अर्थक्वेक के बारे में सुना है तो टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में तो पढ़ा ही है कि जब भी हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं सो इट इज मेड अप ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, और टेक्टोनिक प्लेट्स का हमेशा आप देखोगे कि मूवमेंट होता रहता है, वही मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक भी तो होता है। और जब हम मूवमेंट की बात करते हैं ना सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस फोल्डिंग अप ऑफ द यूरेशियन प्लेट कि हमारा ये हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था। इट मीन्स दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्टोनिक प्लेट्स, जब वो आपस में आते आते डाइवर्ज ना करके वो कन्वर्ज करके एक फोल्ड की तरह बन जाते हैं लाइक दिस, कि मान लो कि अपना दो यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट है, हम लोग यूरेशियन प्लेट की बात कर रहे हैं जो आपने बचपन में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये दोनों आपस में मूव करते करते इतने पास आ जाते हैं कि आपस में फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर अपना बन जाता है। और जब हम हिमालयन माउंटेन्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इनका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ था, दैट इज वाई वी कॉल द हिमालयस एज यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स। और जब भी हिमालयन माउंटेन्स की बात होती है सबको कंठस्थ पता होना चाहिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पर अगर हम हिमालयन माउंटेन्स के फीचर्स के बारे में पढ़े, माइंड यू बच्चा लोग एग्जाम में ये सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू में, तो एक एक पॉइंट जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट मिस एनी पर्टिकुलर पॉइंट हियर। एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है आपके यूनिट टेस्ट में, पीरियोडिक टेस्ट में और आपके हाफ ईयरली या फाइनल एग्जाम, ठीक है। सो हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिमालयस वी सी दैट दे रन फ्रॉम इन ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अब हम लोग मैप की तरफ देखेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भाई डायरेक्शन का क्या यहाँ पर माज रहा है। सो बेसिकली आपको दो इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में यहाँ पर याद रखना है, एक अपना हो गया इंडस रिवर जब हम लोग वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं, और जब हम लोग एक्सट्रीम ईस्टर्न पार्ट की यानी कि आसाम की तरफ की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र रिवर शुड बी देयर इन योर माइंड। सो यहाँ पर आपको ये याद रखना है यार वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अपना रन करता है हिमालयन माउंटेन्स। सो लेट्स हैव अ लुक एट द इमेज जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, मैप की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जब फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं बच्चा लोग तो मैप इज समथिंग जो कि बाय डिफॉल्ट सबको यहाँ पर ध्यान में रहना चाहिए। तो यहां पर आप देखो कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रीजन जम्मू एंड कश्मीर की जब हम बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के एकदम वेस्टर्न एंड से स्टार्ट करते करते द हिमालयन माउंटेन्स दे रन अक्रॉस टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जिसको हम लोग कहां तक ले जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश तक। तो समवेयर यहां तक आप देखोगे कि अपना पूरा ये माउंटेन रेंज होता है हिमालयस का, और इन्हीं हिमालयन माउंटेन रेंजेस में वर्ल्ड के आपके बहुत बड़े बड़े माउंटेन पीक्स हैं जिसके बारे में हम लोग लेटर ऑन पढ़ने वाले हैं। सो यू गाइस कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम ऑफ द इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स जब हम लोग माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, जब हम लोग कंचनजंगा की बात करते हैं, जब हम लोग K2 की बात करते हैं, जब हम लोग नंगा पर्वत की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं जो आपको हिमालयन माउंटेन रेंजेस में मिलने वाले हैं, तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा घूम भी लेते हैं, वर्चुअल टूर ले लेते हैं, उसमें क्या जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग जब हिमालयस की बात करते हैं द सेकंड पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट दे रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड द मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर थोड़े इमेजेस को देख लेते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, जैसे मैं आपको बार बार बहुत सारे सुंदर सुंदर इमेजेस दिखा रही हूँ। सो इफ यू लुक एट ऑल दीज इमेजेस, लॉफ्टीएस्ट कहने का क्या मतलब होता है दैट ऑल द माउंटेन रेंजेस, जब भी आप कभी मौका मिले मम्मी पापा के साथ थोड़ा कश्मीर के वादियों में अगर आप घूमने गए तो वहां पर आपको कुछ माउंटेन रेंजेस जरूर नजर आएंगे, है ना, दूर दराज से पक्का नजर आएंगे। तो इनके ना जो पीक्स होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं, शार्प एजेस होते हैं और एलिवेटेड, मतलब कि इनका जो हाइट होता है बच्चों वो काफी ज्यादा होता है, राइट। और जब हम लोग रगेड टर्म यूज करते हैं इट मींस दैट यहाँ पर आपको माउंटेन्स के ना कुछ सॉफ्ट स्ट्रक्चर ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा, रगेड यानी कि एकदम हार्ड स्टोन से बने हुए अपने माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। तो रफ आपके पैचेस होते हैं, रफ आपका रास्ता होता है पूरे माउंटेन रेंजेस का, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट दैट एवरीवन नीड्स टू रिमेंबर। द थर्ड पॉइंट हियर इज कि जो विड्थ होता है हिमालयन माउंटेन्स का दैट वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप माउंटेन रेंजेस के विड्थ को देखो, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग विड्थ यानी कि चौड़ाई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब चौड़ाई की बात हो रही है तो बाय डिफॉल्ट याद रखना आप लोग कि अगर कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर का जो रीजन है वो ज्यादा कैप्चर कर रहे हैं वो, और धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो अपना टेपर करते जाते हैं, जब हम अरुणाचल प्रदेश तरफ जाते हैं तो विड्थ अपना थोड़ा थोड़ा कमता जाता है,
राइट तो यहाँ पर विड्थ हम कैसे याद रखेंगे, थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे कि कश्मीर में ज्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में अपना कम होगा. दो नंबर्स आपको माइंड में रखने हैं, 400 किलोमीटर एंड 150 किलोमीटर. सो दिस इज समथिंग जो यहाँ पर आपको कंठस्थ याद हो जाना चाहिए. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन ऑफ द हिमालयस. नाउ स्टूडेंट्स, आप बचपन से कभी ना कभी तो आपने जब भी हिमालयस के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा तो आपने थ्री डिविजन्स के बारे में पढ़ा है. मेजर डिविजन्स अपने वो थ्री डिविजन्स अपने कहलाते हैं. जब हम ग्रेटर हिमालयस की बात करते हैं, दैट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिमाद्री, देन वी आर टॉकिंग अबाउट हिमाचल जो कि लेसर हिमालय होता है, एंड द लास्ट जो कि हमारा आउटर हिमालयस होता है उसको हम लोग शिवालिक कहते हैं. तो जब हम लॉन्गिट्यूडनल डिविजन करते हैं ना फॉर द हिमालयन माउंटेन्स, हियर तीन पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है. तीन वो नाम है जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. द फर्स्ट वन बीइंग द ग्रेट हिमालयस, जिसको हम लोग इनर हिमालयस कहते हैं, उसका नाम है हिमाद्री. ठीक है, हिमाद्री के नीचे वाला जो अपना पार्ट कहलाता है बच्चों, वो अपना कहलाता है हिमाचल. जब हम लोग बात करते हैं, इसको स्टेट से रिलेट करो कि जब हम हिमाद्री की बात करें तो कहीं ना कहीं JNK के आसपास के रीजन की थोड़ी बहुत या उसके ऊपर के रीजन की बात हो रही है. जब हम हिमाचल की बात करें तो बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में हिमाचल प्रदेश आ जाना चाहिए, है ना. और जब हम लोग शिवालिक रेंजेस की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग उत्तराखंड ये वाले नीचे वाले रीजन की तरफ हम लोग आते जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट्स को माइंड में रखो और उस बेसिस पे ये डिविजन आपको याद होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी गो अगेन इन दिस मैप हियर, लेट मी क्लियर एवरीथिंग फॉर यू ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए. लेट मी हाईलाइट. तो अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट रेंज हियर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिमाद्री रेंज हियर, तो समवेयर अगर हम इस पूरे रेंज की बात करते हैं ना, ऊपर वाला जो अपना पार्ट है ना बच्चों, ये अपना हो जाता है हिमाद्री रेंजेस, जहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा माउंटेन पीक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट K2, If I am talking about Mount Everest, ये सब कुछ आपको हिमाद्री रेंजेस में मिलेंगे. यानी कि इंडिया या फिर वर्ल्ड के जो आपके बड़े बड़े माउंटेन पीक्स है ना, वो कहीं ना कहीं आपको कहाँ मिलेंगे भाई, हिमाद्री रेंजेस में. फिर हम लोग सेकेंड रेंज की तरफ आते हैं जो कि अपना हो जाता है हिमाचल. ठीक है, ये अपना हिमाचल रेंज होता है जो आप यहाँ पर मैं ब्लैक कलर से डिनोट कर रही हूँ. और उसके नीचे अपना आता है कौन सा रेंज भाई, तो अपना आता है शिवालिक. तो ये आपका जो आउटर रेंज है बच्चा, दिस इज द शिवालिक रेंज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द हिमाचल रेंज, यहाँ पर आपको बहुत सारे वैलीज नजर आएंगे, है ना. जब भी आप अगर हिमाचल प्रदेश घूमने गए हो तो वहां पर आपको बहुत सारे वैलीज के बारे में पता है, पासेज और वैलीज के बारे में नाम सुना है, रोहतांग पास, है ना, बहुत सारे वैलीज, कुल्लू मनाली के पास बहुत सारे वैलीज हैं, हिल स्टेशन की बात करते हैं. तो यहाँ पर जब हम शिवालिक रेंज तक पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे हिल स्टेशन और दून्स मिलेंगे, जो कि उत्तराखंड में आप देहरादून के बारे में जानते हो, पाटली दून की अगर हम बात करते हैं, कोटली दून की अगर हम बात करते हैं. तो यहाँ पर ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखना है. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन बाय अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट थ्री डिविजन्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स. तो पहला अपना है हिमाद्री. When we are talking about Himadri, this is the most continuous range that consists all the loftiest peaks. मैंने आपको एक बात बोला था कि कनेक्ट कैसे करना है यार, जो अपना सबसे ऊपर वाला रेंज है ना, ठीक है, जो हिमालयन माउंटेन्स का सबसे ऊपर वाला रेंज है, उसमें बाय डिफॉल्ट समझो कि वहां पे आपके सारे बड़े बड़े माउंटेन पीक्स हैं. तो आप यहाँ पर मैप के थ्रू आइडेंटिफाई करो कौन कौन से वो माउंटेन पीक्स हैं जो आपको हिमाद्री वाले रेंज में मिलेगा. यानी कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, K2 की बात कर लो, माउंट एवरेस्ट की बात कर लो, कंचनजंगा की बात कर लो, नंगा पर्वत की बात कर लो, ऐसे बहुत सारे माउंटेन पीक्स हैं. तो लॉफ्टेस्ट पीक्स यानी कि जो आपके बड़े बड़े यहाँ पर माउंटेन्स हैं ना, वो आपको हिमाद्री रेंज में मिलेंगे विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6,000 meters. तो इनका एलिवेशन ऑलमोस्ट कितना होता है बच्चा लोग, दैट इज 6,000 meters. इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स. आप एक एरियल व्यू यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपके कंटिन्यूस माउंटेन्स होते हैं, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग या बैरियर्स नहीं नजर आएंगे, कंटिन्यूशन में पूरा अपना रेंज चलता है. जो बचपन में आप लोग छोटी छोटी ड्राइंग बनाते हो ना माउंटेन्स का, बचपन में अगर लैंडस्केप बनाना है तो हम कुछ ऐसे नहीं बनाते हैं, तो समझो कि ऐसे ही आपके माउंटेन रेंजेस कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहे हैं. ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयस, वो एसिमेट्रिकल होते हैं. इट मींस दैट जो फोल्ड है, यानी कि अगर मैं माउंटेन्स की बात कर रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि वो एकदम बराबर बराबर उनका कट हो रहा है, एसिमेट्रिकल फॉर्म में होता है. और यहाँ पर जो कोर है हिमालयस का इस पार्ट में, इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. तो अगर आप हिमालयस, मैं बार बार कह रही हूँ, कभी मौका मिलेगा जो बच्चे यहाँ पर एडवेंचरर बनना चाहते हैं वो जरूर जाए,
कोई भी माउंटेन पीक, भगवान करे कि आप यहाँ पर माउंट एवरेस्ट तक पहुँच जाओ, रिकॉर्ड ब्रेक करो, तो अगर आप यहाँ पर कभी घूमने चले गए गलती से, तो अगर आप माउंटेन पीक्स के स्टोन्स को देखोगे ना बच्चा, रॉक्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो इट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। नाउ इट इज पेरेनियली स्नो बाउंड, मतलब कि कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर आप देखोगे कि स्नो तो पक्का पक्की रहेगा बिकॉज ऑफ द एलिवेशन एंड हाइट एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन देयर। उसके अलावा बहुत सारे ग्लेशियर्स इस रेंज से डिसेंड करते हैं। अब ग्लेशियर का फॉर्मेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑल दीज माउंटेन रेंजेस दे आर कवर्ड थ्रू आउट द ईयर विद स्नो, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स है जो आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे हम लोग सियाचिन की बात करते हैं, वहाँ पे ग्लेशियर्स आपको बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज ब्यूटिफुल द सीनिक ब्यूटी ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स, लुक एट दीज इमेजेस, मतलब मन मोह लेता है ना। तो मन करता है इमेजेस देखने की, काश यहाँ पर ऊंचाइयों में हम लोग भी खड़े होते। सो ये फीचर्स आपको यहाँ पर याद रखना है। जो बच्चे पहाड़ी इलाके से हैं तो डेफिनेटली, अगर आप हिमाचल से हो, उत्तराखंड से हो, कश्मीर रीजन से हो, यू कैन टोटली रिलेट विथ ऑल द फीचर्स हियर, राइट। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द सेकेंड पार्ट हियर, द सेकेंड डिविजन ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स, दैट इज द हिमाचल। अब बाय डिफॉल्ट बोला कि स्टेट के ऊपर फोकस करते जाओ, हिमाचल यानी कि समवेयर हम हिमाचल प्रदेश वाले रीजन की बात कर रहे हैं। सो दिस रेंज हियर दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं ना, वैसे वैसे रॉक्स जो है ना वो कंप्रेस होते हैं, ठीक है। बहुत सारा रॉक्स जो है अपना चेंज करता है, छोटे छोटे बड़े बड़े रॉक्स हो जाते हैं। और यहाँ पर जब हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं, यानी कि जब हम हाइट की बात करते हैं इस रेंज की, इट वेरीज फ्रॉम 3700 to 4500 meters। तो इस बीच में इस हिमाचल रेंज का अपना हाइट जो है वो वेरी करता है, एलिवेशन वेरी करता है। और जो एवरेज विड्थ है दैट इज ऑफ 50 kilometers। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, द बेस्ट वे वुड बी कि आप यहाँ पर टेबल फॉर्म करो। सबसे पहले आप लिखो हिमाद्री के बारे में, फिर हिमाचल के बारे में, फिर शिवालिक के बारे में, और जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स आपने पढ़ा वो टेबल में लिख लो, ठीक है। A4 शीट में आप ये पॉइंटर्स बना लो, क्योंकि इस चैप्टर में द ओनली पॉइंट इज कि आपको इतने सारे डिटेल्स, इतने सारे नंबर्स पढ़ने हैं ना, और MCQ में कुछ भी आ सकता है, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये देखना ही पड़ेगा, ठीक है। सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिमाचल रेंज, वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि आपको यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट रेंजेस और वैलीज भी नजर आते हैं, ठीक है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रेंजेस सच एज पीर पंचल, उसके अलावा धौलाधर रेंज है और महाभारत रेंज है। अब इसको आप क्या करोगे, मैप में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि आपको कहाँ पर कौन से रेंजेस मिल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करी अबाउट ऑल दीज रेंजेस, तो आपको समवेयर कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन में ये रेंजेस मिल जाएंगे, ठीक है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट हियर, दैट इज द हिमाद्री, ओके। तो यहाँ पर अगर आप धौलाधर, महाभारत रेंजेस इन सब की बात करो, तो कुछ इस तरीके से आपको ये माउंटेन्स इस रीजन में नजर आएंगे, ऑल्टर्ड रॉक्स एंड कंप्रेस्ड रॉक्स। सो दीज आर certain points that you need to remember. When we are talking about hill stations, वो भी आपको इस region में मिलेंगे। अगर आप हिमाचल प्रदेश गए तो आपने कुलू मनाली ये सब के बारे में सुना ही है, आपने कांगड़ा के बारे में सुना ही होगा, है ना। तो ये आपके different different valleys है, ये छोटी छोटी जगह है जहाँ का climatic condition बड़ा अच्छा होता है, और summer time में सबको घूमने का मन करता है। So try to find out कौन कौन से वो hill stations है जो आपको इस region में मिलेंगे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं। Now let's move on to the third part here, that is the Shivaliks, यानी कि हम लोग आउटर हिमालयस पे अब आ चुके हैं। यहाँ पर जब शिवालिक की बात होती है बच्चों, so they extend over a width of 10 to 50 kilometers, ठीक है। इनका width 10 to 50 किलोमीटर तक होता है, और जो altitude है, एक चीज जो आप यहाँ पर देख रहे हो वो क्या है भाई, कि altitude सबसे ज्यादा आपको कौन से रेंज में मिला था? You will answer that it was in the हिमाद्री रेंज। जैसे हम हिमाचल तक आए वहां पे अपना altitude जो है वो धीरे धीरे कमता गया, जैसे हम शिवालिक तक आ रहे वहां पे अपना जो altitude है वो धीरे धीरे कमता जा रहा है ना। तो ये point आपको थोड़ा logically समझना होगा। So यहाँ पर जो altitude है it varies from 900 to 1100 meters। Now it is composed of the unconsolidated sediments। अब जब शिवालिक ranges की बात होती है ना बच्चों, by default सोचो कि हिमालयन mountains की बात कर रहे हैं। अरे माउंटेन्स है तो ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स है तो रिवर्स भी होंगे। तो जितने भी आपके हिमालयन रिवर्स होते हैं ना, मतलब कि माउंटेन से पास करते करते जो आपके रिवर्स ऊपर से नीचे की तरफ आते जाते हैं, वो साथ में सेडिमेंट्स भी तो कैरी करते जाते हैं ना। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी रिवर दैट इज क्रॉसिंग दिस रीजन, तो यहाँ नीचे आते जाएंगे तो साथ में जो भी पहाड़ में छोटे छोटे पेबल्स और सेडिमेंट्स होते हैं वो उनको कैरी करते जाते हैं। तो जब हम शिवालिक रेंजेस की बात करते हैं ना बच्चा लोग, सो
it is composed of those unconsolidated sediments. वो sediments यहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं और इससे अपना ये तीसरा range बनता है शिवालिक ranges का, ठीक है? So here we are talking about the main Himalayan ranges that are located further north, okay? तो यहाँ पर आप देखो ये अपना range है भाई शिवालिक range का सबसे नीचे जो कि outer most है. Now these valleys are covered with thick gravel and alluvium. तो यहाँ पर आपके लिए super duper important point है alluvium का. Now one question that everyone might be having in their mind is, ma'am ये alluvium क्या है यार? Ma'am बता दो alluvium क्या होता है, gravel क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो बच्चों एक चीज जो common है वो आपको अभी बता दिया about the rivers. अगर मैं किसी भी हिमालयन रिवर की बात करती हूँ, let's say if I'm talking about Indus के tributaries, if I'm talking about any river that is flowing through the Himalayan mountains, तो जब माउंटेन से कोई भी, अगर आप कभी भी घूमने जाओ हिल स्टेशन पे, तो हमेशा देखना कि यार माउंटेन से जो भी आपके रिवर्स आते हैं ना, तो सोचो कि वो छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स, ये सब भी होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, वो सारे सेडिमेंट्स को फोर्स इतना ज़्यादा होता है ना कि सारे सेडिमेंट्स को वो कैरी करते करते नीचे की तरफ आते हैं, और जहाँ पर उनको थोड़ा सा फ्लैट सर्फेस मिलता है, सारे सेडिमेंट्स वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है? और ये वाला जो डिपॉजिशन होता है वो अपना कहलाता है अलूवियम. अलूवियम की जब बात करते हैं बच्चा लोग, ये सबसे फाइनेस्ट मटेरियल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न प्लेस जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर आपको अलूवियन फैन के बारे में पढ़ना है कि जो सेडिमेंट्स दैट हैव बीन डिपॉजिटेड बाय द हिमालयन माउंटेन रिवर्स, तो वो आपके सेडिमेंट्स अलूवियम कहला जाते हैं, ठीक है? बहुत ही फर्टाइल होता है ये लैंड, जिसके बारे में आप लोग आगे अभी पढ़ने वाले हो. और यहाँ पर जब हम बात करते हैं अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन द लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक, इसको हम लोग दुन कहते हैं. चलो एक मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ ताकि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए. जब हम लोग दुन की बात करते हैं बच्चों, आपको सिंपल सा लॉजिक सोचना है कि आप लोग उत्तराखंड गए हो. अरे गए नहीं हो तो देहरादून के बारे में तो सुने हो ना, सबने देहरादून के बारे में तो पक्का सुना होगा, वरना बहुत सारे बच्चे देहरादून घूमने भी गए होंगे. इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे जो सेशन देख रहे होंगे, हो सकता है वो उत्तराखंड के होंगे. तो दुन्स के बारे में आपको कैसे समझना है? वी आर टॉकिंग अबाउट अ नैरो पैसेज, एक नैरो लैंड के बारे में बात की जा रही है, एक वैली के बारे में बात की जा रही है, दैट इज लोकेटेड बिटवीन द लेसर हिमालयस, यानी कि हिमाचल रेंज और शिवालिक के बीच में आपका एक नैरो लैंड बनता है विद द डिपोजिशन ऑफ दी सेडिमेंट्स हियर. और वही जो नैरो लैंड है बच्चा, लॉन्गिट्यूडनल वैली जो अपना है ना, इसको हम लोग दुन कहते हैं. जैसे कि देहरादून आपका एक सिंपल एग्जाम्पल है, पाटलिदुन आपका एक सिंपल एग्जाम्पल है, और कोटलिदुन आपका एक सिंपल एग्जाम्पल है, जो कि आप इमेजेस में और मैप्स में देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, समझ लो कि ये आपके हिमालयस, यानी कि हिमाद्री वाला जो पार्ट है ना, सॉरी हिमाचल वाला जो पार्ट है और शिवालिक वाले पार्ट के बीच में ये थोड़ा वैली काइंड ऑफ अपना छोटा सा नैरो पैसेज बनता है, नैरो लैंड जो बनता है वो अपना दुन कहला जाता है, ठीक है? और यही एक इंपॉर्टेंट फीचर है शिवालिक रेंजेस का, राइट? एक तरफ हमने पढ़ लिया अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालयस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ हिमालयस ऑन द बेसिस ऑफ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. तो बच्चों एक तरफ आप समझ गए कि यार एक अपना हिमाचल है हिमाद्री है, हिमाचल है और शिवालिक है ना. दूसरी तरफ आपको ये भी अभी मैंने बताया दैट जब हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करते हैं, दे अक्रॉस, दे रन अक्रॉस दी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. और अगर मैं वेस्ट की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट रिवर अपना कौन सा है भाई? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम. अगर हम लोग ईस्ट की बात कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट रिवर जो आपको माइंड में रखना है वो क्या है भाई? दैट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर. तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम के बारे में बाई डिफॉल्ट सबको पता होना चाहिए, ठीक है? अब जब इंडस की बात करते हैं, कैन यू गाइस थिंक ऑफ ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस? आई मीन क्लास 6 में सबसे पहले पढ़ा था ना, 6 में पढ़ा नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, द फर्स्ट सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्टेड नियर द रिवर इंडस, एंड दैट इज व्हाई इट गॉट द नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता. सबने इसके बारे में सुन रखा है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडस के ट्रिब्यूटरीज के बारे में याद है क्या, कुछ कह सकते हो, कुछ बता सकते हो, तो बच्चा लोग सोचने बैठ जाएगा. मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग 5 ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर रहे हैं. द फर्स्ट वन बीइंग द चेनाब, द सेकंड वन बीइंग द झेलम, द थर्ड वन बीइंग ब्यास, द फोर्थ वन बीइंग रावी, एंड द फिफ्थ वन बीइंग सतलज. ये आपके 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है दैट जॉइन द मेन रिवर दैट इज इंडस, और वो इंडिया के थ्रू फ्लो करते हैं. अब यहाँ पर जब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आप डिवीजन करोगे ना, बाय डिफॉल्ट हमें रिवर सिस्टम के बेसिस पे सब कुछ याद करना है, ठीक है? तो यहाँ पर रिवर सिस्टम के बेसिस पे डिवीजन करेंगे, और यहाँ पे रीजन के नाम पे हम
यहाँ पर अपने हिमालयन यहाँ पे डिविजन्स का नाम रखेंगे। तो पहला पार्ट जो अपना यहाँ पर है बच्चा, दैट इज द पार्ट ऑफ हिमालयस दैट इज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज। अब एक आपको एकदम कॉमन सी बात बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे ना ये सब पढ़ पढ़ के टेंशन में आने लगते हैं कि मैम इतना सारा डेटा कैसे याद रहेगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, करना क्या है। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि आप निमोनिक्स बनाना शुरू करो। दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट दैट इज द पंजाब हिमालयस, तो आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमें आना है। तो वेस्ट में सबसे पहले हम इंडस रिवर के बारे में तो जानते हैं, तो पहला रीजन आपका बन जाता है, उसको हम लोकली पंजाब हिमालयस, हिमाचल हिमालयस, कश्मीर हिमालयस वैरी करता है, लेकिन अगर एक जेनरिक नेम रखना है बच्चा तो हम लगते हैं पंजाब हिमालयस। अगर मैं पीएच लिखूं तो बाय डिफॉल्ट दो रिवर्स का नाम आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, एक इंडस और दूसरा सतलज। फिर अपना सेकेंड पार्ट आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कुमाऊं हिमालयस, जो कि आपको उत्तराखंड के रीजन में मिलेगा। अब यहाँ पर एक रिवर हमेशा अपना कॉमन बन जाता है, तो इंडस और सतलज सबको याद हुआ, सतलज से चलो कंटिन्यू करते जाओ। अब हम लोग सतलज के साथ यहाँ पर काली रिवर को ऐड करते हैं, दैट इज एस और के, के स्टैंड्स फॉर काली रिवर, जो कि कुमाऊं हिमालयस कहलाता है, वो जो पूरा रीजन है। फिर अपना तीसरा पार्ट आ जाता है भाई, जो कि अपना होता है नेपाल हिमालयस। अब जब हम नेपाल हिमालयस की बात करते हैं, अगेन काली रिवर पे हम रुक गए थे, अब काली रिवर के आगे बढ़ो और तीस्ता तक चलो, तो के और टी अपना बन जाता है टी फॉर तीस्ता। यहाँ पर चार इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं मात्र जो नाम आपको याद रखना है, खाली खाम का सब बच्चे डर जाते हैं कि इतने रिवर्स का नाम कैसे याद रखेंगे। सो द फर्स्ट इज द पंजाब हिमालयस, सेकेंड इज द कुमाऊं, एंड द थर्ड इज द नेपाल हिमालयस, ठीक है। उसके आगे आपका असम हिमालयस भी आता है, जिसमें हम ब्रह्मपुत्र वाले रिवर की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो इंडस और सतलज, सतलज और काली, काली और तीस्ता, ऐसे नहीं याद हो गया, इंडस सतलज काली और तीस्ता, चार इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम लोग असम हिमालयस के बारे में भी समझते हैं भाई, असम अपना किसके बीच आता है, तीस्ता और सियांग रिवर होता है, दिहांग या दिबांग बोलो, दिहांग बोलो, जो कि ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो आपका पहला जो डिविजन है वेस्ट टू ईस्ट में, ये वाला रीजन अपना पंजाब हिमालयस है, ये अपना कुमाऊं का रीजन है, ठीक है, उत्तराखंड के आगे बढ़ते जाना। फिर हम जब नेपाल की बात करते हैं तो दिस इज द मेजर रीजन ऑफ नेपाल जो इस रीजन को कवर करता है, दो इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में याद रखना। और नेपाल के आगे बढ़ते हैं तो हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आते हैं, जहाँ पर हम असम हिमालयस बोलते हैं बेस्ड ऑन दी लोकल रीजन दैट इज प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो वो अपना असम हिमालयस बन गया। तो यहाँ पर इस तरीके से याद रखो बच्चा, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल एंड असम, पी के एन ए, ठीक है, बाय डिफॉल्ट पी के एन ए, और रिवर सिस्टम ऐसे इस तरीके से माइंड में याद रखना। यहाँ पर इंडस है, सतलज है, काली है, तीस्ता है, तीस्ता के आगे बढ़ जाओ ब्रह्मपुत्र की तरफ, ठीक है। आई होप कि सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रह्मपुत्र दैट मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस, एवरीवन नोस दैट अरुणाचल प्रदेश से अपना इंटर करता हुआ ब्रह्मपुत्र रिवर, एंड दैट इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयस। नाउ बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, जो कि अपना एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का, हिमालयंस जो है वो बेंड करते हैं शार्पली टुवर्ड्स द साउथ और फिर वो ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया की तरफ स्प्रेड कर जाते हैं। अब जब हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं, वहाँ पे आपके जो जो हिल वाले रेंजेस है उसको हम लोग पूर्वांचल हिल्स कहते हैं, जिसमें आप बहुत सारे हिल्स का नाम देख सकते हो एनसीईआरटी बुक में। सो दीज हिल्स दे रन अक्रॉस थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दे आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन एंड विच आर दी सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज अ मैप ट्राइंग टू शो यू कि किस तरीके से जब हम ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, ये जो अपना हिमालयन रेंजेस है ये पूरा इधर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में थोड़ा अपना स्प्रेड करते जाता है, एंड दीज आर द रिवर सिस्टम्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। आई होप कि एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो इतना तो हमारा क्लियर हो गया, हमने पहला पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है अबाउट द हिमालयन माउंटेन्स। अब यहाँ पर कंप्लीट कर लिया तो एक बात तो बताना भूल गई आपको कि अगर एग्जाम में बच्चा लोग कहता है कि मैम कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट आपके सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बात करती हूँ, आई मीन व्हाटएवर क्वेश्चंस आई हैव टोल्ड माय स्टूडेंट्स, वो एग्जाम में पक्का पक्की आया है। तो हिमालयन रेंजेस में आपको हिमाद्री शिवालिक, हिमाचल के बारे में पक्का पक्की पढ़ना है बच्चों। ये जो आप पंजाब, असम, नेपाल, हिमालयस इन सब के बारे में पढ़े हो, यहाँ पे रिवर्स के बारे में याद रखना, रिवर सिस्टम के बारे में याद रखना, एमसीक्यू में काम आएगा, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट कर लिया, टेबल के फॉर्मेट में कर लेना, सब क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। एक तरफ हमने हिमालयस के बारे में बात किया, अब उसके नीचे आते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को भी। नाउ मेनी ऑफ यू लिव इन द स्टेट
स्टेट्स सच एज जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जब हम बिहार की बात करते हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द रीजन्स ऑफ थोड़ा मध्य प्रदेश का पार्ट ले लो, झारखंड का पार्ट ले लो, वेस्ट बंगाल वाला थोड़ा पार्ट ले लो, ये जितना भी पार्ट अपना है ना, पार्ट्स ऑफ राजस्थान भी थोड़ा सा ले लो, ये अपना आता है नॉर्दर्न प्लेन में, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ भाई? यहाँ पर जब नॉर्दर्न प्लेन की बात हो रही है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि तीन इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स हियर। सो द फर्स्ट वन बीइंग द इंडस रिवर सिस्टम, द सेकेंड वन बीइंग द गंगा रिवर सिस्टम एंड द थर्ड वन बीइंग द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं, ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं जिसके बारे में कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप अगर ये पूरा ग्रीन रीजन देखो बच्चा लोग, दिस इज द पार्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, समवेयर ये वाला जो आपका रीजन थोड़ा आता है ना, ये अपना रीजन कहलाता है नॉर्दर्न प्लेन का रीजन। तो ये बाय डिफॉल्ट सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा तीन इंटरप्ले रिवर सिस्टम बात कर रहे हैं, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। अगर हम बात करते हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, सो दे हैव बीन फॉर्मड बाय द अलूवियल सॉइल। अब आपको छोटी सी बात बताती हूं, सिंपल सा कांसेप्ट है, बाय डिफॉल्ट समझ लेना। देखो नॉर्दर्न प्लेन में रहने वाले बच्चे एकदम टोटली रिलेट करेंगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन, आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर यहाँ पर काफी इंटेंसिव है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। चाहे वो हम उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली के रीजन की बात करें, पंजाब हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल का रीजन हो गया, सब अपना डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। अपना फर्टाइल रीजन भी है क्योंकि एग्रीकल्चर परफॉर्म करने के लिए बेस्ट प्लेस है ये। क्यों है भाई? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस रीजन विद द हेल्प ऑफ अलूवियल सॉइल। तो अलूवियल सॉइल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सॉइल में अलूवियल सॉइल सब बच्चों को पता है दैट इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। नाउ व्हाई डू वी कॉल इट एज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल? बिकॉज वी सी दैट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिमालयन रिवर्स, जो कि अपने हिमालयन माउंटेन से ये रिवर्स जो आते हैं ना, वो आपको मैंने समझा दिया कि वो सेडिमेंट्स लेते हुए आ रहे हैं। अब यही जो सेडिमेंट्स है ना, माउंटेन से जो आते हैं, अगर उनको एक प्लेन एरिया, एक फ्लैट सर्फेस मिल जाता है ना, तो यहाँ पर सारे सेडिमेंट्स को क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट वो डिपॉजिट कर देते हैं और एक फैन लाइक स्ट्रक्चर अपना बनता है जिसको हम लोग कहते हैं अलूवियल फैन, ठीक है। सो दैट इज वाई जब नॉर्दर्न प्लेन्स की बात होती है, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन इस रीजन में हुआ है और सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के रीजन की वजह से ये पूरा रीजन अपना अलूवियल फैन बनाता है। मतलब कि अलूवियम का डिपोजिशन हुआ सेडिमेंट्स, जो कि बहुत ही फर्टाइल होते हैं नेचर में, एंड दैट मेक्स द रीजन क्वाइट फर्टाइल। सो डिपोजिशन ऑफ अलूवियम इन द वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस ओवर द ईयर्स अगो, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस फर्टाइल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको और अच्छे से समझना है तो बाय डिफॉल्ट समझो कि हिमालयस जो है, यहाँ से रिवर ऐसे ऐसे आ रहे हैं और उसके बाद जैसे ही अपना इनने ट्रैजेक्टरी चेंज किया, मतलब कि ऐसे फास्ट स्पीड से आ रहे हैं और धीरे धीरे क्या होता है बच्चा, अगर वो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुआ, यानी कि फ्लैट सर्फेस की तरफ थोड़ा है, तो स्लो डाउन करेंगे, है ना, रिवर का जो आपका स्पीड है वो स्लो करेगा कि नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर स्लो करने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे वो अपने सेडिमेंट्स को यहाँ पर डिपॉजिट करने लगते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर स्पीड स्लो हुई, वेलोसिटी अपना कम हुआ, फिर अपना एक रफ्तार पकड़ लेता है इनका। तो यहाँ पर ये डिपॉजिशन की वजह से ये पूरा अपना फर्टाइल रीजन का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। आपको तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पर नंबर्स में याद रखना है कि अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, तो इट इज ऑलमोस्ट 7 lakh square kilometers लार्ज। When you are talking about the length, that is 2400 kilometer long. और जब हम यहाँ पर width यानी कि broadness की बात करते हैं, it's around 240 to 300 kilometers. ये सब कुछ terms है जो by default आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं that why this region, जब northern plains की बात हो रही है, so why this region is quite rich in agriculture? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आ रखा है। तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। जितने बच्चे भी नॉर्दर्न प्लेन में रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट इस पॉइंट से एकदम कनेक्ट करेंगे दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट हियर, रिच सॉइल कवर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अलूवियल सॉइल, है ना, अलूवियल फैन का डिपोजिशन, यहाँ पर अलूवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज वाई दिस रीजन हैज रिच सॉइल कवर विच इज बेस्ट फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। चाहे वो हम बात करें अबाउट राइस, अबाउट शुगर केन, अबाउट वीट, तो आप देखोगे कि इन द रीजन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, आपके मेन जो कैश क्रॉप्स होते हैं या आपके जो फूड क्रॉप्स होते हैं, इस रीजन में ग्रो किया जाता है। एडिक्वेट वाटर सप्लाई क्यों है भाई?
Because when we are talking about this region, we have already understood about the interplay of all the three river systems, चाहे वो इंडस की बात हो रही है, गंगा रिवर सिस्टम की बात हो रही है, या फिर ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है. तो यहाँ पर वाटर सप्लाई एक्सटेंसिव फॉर्म में, ये तो बाय डिफॉल्ट सबको समझ में आ गया. तीसरा अपना पॉइंट है फेवरेबल क्लाइमेट का, कि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है हॉट ह्यूमिड मॉडरेट टाइप अपना, मतलब वैसा भी नहीं है कि इतना खराब कंडीशन है कि क्रॉप्स ही एकदम डूब गए. कभी कभी होता है बिकॉज कि मॉनसून बहुत ज़्यादा अगर आ गया, बहुत रेनफॉल हुआ तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्रॉप्स. बट समवेयर इन ऑर्डर टू ग्रो दी रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, वी सी दैट फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है. दैट इज वाई दिस रीजन इज रिच इन एग्रीकल्चर. सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. इफ वी लुक एट द फर्टाइल रीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, आप इस तरीके के इमेजेस हमेशा देखोगे. कभी भी अगर आप घूमने जाते हो, किसी गांव की तरफ जाओगे, तो आपको बड़े बड़े यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड जरूर देखेंगे. वहां पर आप देखोगे कि क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है. तो समवेयर आप इस रीजन में, बहुत कहीं भी, उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाओ, बिहार की तरफ चले जाओ, वेस्ट बंगाल की तरफ चले जाओ, एक्सटेंसिव फॉर्म में एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है. ठीक है, अब यहां पर तीसरा पॉइंट हमें क्या समझना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स. रिवराइन आइलैंड्स क्या होता है बच्चों? सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, वन मार्कर क्वेश्चन के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर आप देखो बच्चा लोग, कि जब भी हम बात करें अबाउट द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स, दे आर इन्वॉल्व इन द डिपोजिशनल वर्क. अब तो आप इस क्वेश्चन का करेक्टली आंसर कर सकते हो. डिपोजिशनल वर्क कैसे? दैट दे आर इन दिस होल प्रोसेस ऑफ यू नो कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन. स्लोपी होता है तो वहां पे जितने भी आपके सेडिमेंट्स होते हैं, वो रिवर का जो वेलोसिटी होता है वो इतना तेज होता है कि सारे सेडिमेंट्स को अपने साथ कैरी करने लगते हैं. कैरी करते 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 वो नीचे की तरफ आते हैं और सबको डिपॉजिट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, सो ड्यू टू द जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेस. अब आगे आगे जेंटल स्लोप जैसे होता है, वेलोसिटी अपना डिक्रीज करते जाता है. That leads to the formation of riverine island. Riverine island क्या होता है? और ये riverine island इंडिया में क्या important role play कर रहा है भाई? तो चलो ये भी point समझ लेते हैं. तो बच्चा riverine island ना बहुत ही fertile region होता है. क्यों? क्योंकि उसका formation ही होता है alluvial soil के आसपास. आइलैंड मतलब सराउंडेड बाय रिवर. तो यहाँ पर आप देखो कि मान लो कि माउंटेन से अपना ये रिवर आता 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 और बहुत टाइम तक यहाँ पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते गए, तो इस तरीके से एक आइलैंड का हो गया भैया फॉर्मेशन. और इंडिया की जब हम बात करते हैं ना, तो पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड एक्चुअली इंडिया में लोकेटेड है. कैन यू गेस अबाउट इट? कैन यू थिंक अबाउट इट? यस, कौन सा जगह है? हम लोग असम की बात कर रहे हैं. असम में माजुली रिवर आइलैंड, रिवराइन आइलैंड, दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड. रिवराइन आइलैंड कहने का क्या मतलब है कि रिवर के जो डिपॉजिशन वर्क से अपना सेडिमेंट यहाँ पर डिपॉजिट हुआ, उससे एक आइलैंड लाइक स्ट्रक्चर बन गया, उसी को हम लोग रिवराइन आइलैंड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आप माउंटेन्स की बात करते हो, तो इस इमेज को देखो पूरा प्रोसेस समझने के लिए. माउंटेन से ऐसे रिवर्स ऐसे बहते 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 इस तरीके से आए, ब्रेकेज हुआ जेंटल स्लोप का, फिर यहाँ पर थोड़ा 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 आए सेडिमेंट्स को इस वे में यहाँ पर डिपॉजिट करते जा रहे. अब कहीं एक रीजन में आएंगे, एक सेडिमेंट को डिपॉजिट करेंगे और वहां पर बन जाएगा अपना रिवराइन आइलैंड. फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ही सुंदर इमेज है माजुली का. माजुली रिवराइन आइलैंड की जब हम बात करते हैं बच्चों, कौन से रिवर से बना है? बाय डिफॉल्ट आप जानते हो यार, ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है. तो ये असम में है. और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट आपका रिवराइन आइलैंड है वो तो असम में ही है, और वर्ल्ड का जो सबसे स्मॉलेस्ट रिवराइन आइलैंड है वो भी असम में है. नाउ यू गाइस हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट रिवराइन आइलैंड. लार्जेस्ट का तो आपको बता दिया, माजुली रिवराइन आइलैंड है. तो आप यहाँ पर देख रहे हो सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, और ये आपका एक फर्टाइल रीजन है जहाँ पर लोग सेटल डाउन करते हैं, थोड़ा यहाँ पर रहते हैं, थोड़ा एग्रीकल्चर परफॉर्म करना है तो कर लेते हैं. और जैसे ही मान लो यहाँ पर थोड़ा फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन आया, तो ये सब कुछ डूब जाता है. तो फिर ये इस रीजन से हटके डिसलोकेट करके कोई और रीजन में चले जाते हैं. जैसे हम लोग गंगा रिवर की बात करते हैं, सो आई हैव पास्ड थ्रू द रिवराइन आइलैंड्स अ लॉट ऑफ टाइम्स. आई हैव टोल्ड माय स्टूडेंट्स कि बच्चा लोग रिवराइन आइलैंड को आप प्रैक्टिकली देख सकते हो. जो बच्चे बिहार में, उत्तर प्रदेश के रीजन में रहते हैं, तो वो गंगा के आसपास के रीजन में जो भी
आप रिवर बड़ा सा गंगा रिवर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हर एक जैसे पटना के आसपास अपना एक रिवराइन आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है जहाँ पर एक टाइम तक आपका वो पूरा आइलैंड बना रहता है जहाँ पर लोग क्रॉप्स ये सब ग्रो करते हैं, अपना खेती वेती करते हैं। लेकिन एक टाइम आता है कि जब रिवर का फ्लो जैसे गंगा का करंट बहुत ही ज़्यादा है ना, तो कभी भी अगर फ्लड लाइक सिचुएशन आता है तो वो पूरा एरिया को डुबा ले जाते हैं, तो सब कुछ बर्बाद भी हो जाता है एक टाइम के बाद। तो जहाँ पे वो रहते हैं ना वो उनका टेम्प्ररी रेसिडेंट होता है, उसके बाद वो फिर उस एरिया से डिसलोकेट करके चले जाते हैं। लेकिन ये रीजन इतना फर्टाइल होता है कि यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो बहुत अच्छे से किए जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पर पढ़ना है इज दैट द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स। एक तो रिवराइन आइलैंड के बारे में सबने समझ लिया, अब एक नेक्स्ट टर्म है जो हमें समझना है, दैट इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटरीज। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर इन देयर लोअर कोर्स, वी सी दैट दिस स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। अब आपको मैं बस एक इमेज दिखाना चाहती हूँ, इससे सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी कि रिवर का जब यहाँ पर फ्लो देखते हो ना बच्चा लोग, ऐसा नहीं है कि रिवर जो है ना एक सीधा रास्ता वो अपना लेते हैं, ना जी ना, वो स्नेक की तरह टेढ़े मेढ़े रास्ते में ऐसे ऐसे तिरछा तिरछी टिक जिग जैग करते करते फाइनली वो यहाँ पर माउथ के पास यानी कि कोई बड़े रिवर से मिलने जाते हैं। तो मान लो कि अपना कोई यहाँ पर अपना सोर्स, कोई हिमालयन रिवर की बात करें, ठीक है, अब यहाँ पर माउंटेन से ऐसे रिवर बहते 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 आया, ऐसे 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 बहुत सारा फॉर्मेशन हुआ, रैपिड वैपिड बन रहा है भाई, वाटरफॉल है, लेक है, ऑक्सबो है, मियांडर्स है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आ रहे हैं। आपने ट्रिब्यूटरी के बारे में सुन लिया था, यानी कि जो भी आपके छोटे छोटे रिवर्स मेन रिवर को ज्वाइन करते हैं उसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी किसको कहते हैं वो आप समझो। अब रिवर ऐसे 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 बहते 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 डिपोजिशनल वर्क करते करते आए, जैसे ही वो डाउन स्ट्रीम की तरफ आते हैं ना, मतलब कि वो एकदम अपने लोअर कोर्स पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वो सिल्ट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो बहुत सारा सिल्ट ऑन द वे कैरी कर चुके हैं। अब ये डिपोजिशनल वर्क यहाँ पर बनने लगा, अब ये जो सेडिमेंट्स यहाँ पर आते जाते हैं ना, क्या होता है इसी पूरे प्रोसेस में सेडिमेंट्स को यहाँ पर डिपॉजिट करते करते रिवर जो है ना वो अपना पाथ यहाँ पर डिवाइड करने लगते हैं और इसी से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपना सुंदरबन का है। तो यहाँ पर अगर आप कभी इमेज देखोगे वेस्ट बंगाल के रीजन में, तो सबसे बड़ा आपका सुंदरबन को आप आइडेंटिफाई करना, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरी की वजह से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, रिवर अपना मेन कोर्स फॉलो करते करते डिपॉजिट्स कर दिया उन्होंने यहाँ पर सेडिमेंट्स को, और उसके बाद किस तरीके से देखो वो यहाँ पर अपने चैनल्स को डिवाइड करते जा रहे इन देयर लोअर कोर्स, एंड दिस इज नोन एज द माउथ ऑफ द रिवर। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में, यहाँ पर रिवर अपना फ्लो करते हैं, फिर वो यहाँ पर मेन चैनल में कोई ओशियन हो, कोई जैसे बे ऑफ बंगाल की बात करें इंडिया के केस में, तो फिर जाके वो उसमें मिल जाते हैं, उनका संगम हो जाता है। सो दिस इज वन थिंग दैट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड। ओके, आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। द सेकेंड पार्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज अबाउट द डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एज वेल। तो अपना तीन डिवीजन है जो आपको बाय डिफॉल्ट याद रखना है, एक अपना पंजाब प्लेन्स है, दूसरा अपना गंगा प्लेन है, तीसरा अपना ब्रह्मपुत्र प्लेन है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पंजाब प्लेन, किससे फॉर्म हुआ है भाई, इंडस और उनके ट्रिब्यूटरीज के। गंगा प्लेन की जब बात करते हैं तो घाघर और तीस्ता रिवर से। जब हम ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट दिबांग और तीस्ता, इन सारे रिवर्स का नाम याद रखना होगा, ठीक है। तो आप देखो किस तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं, ये अपना हो गया पंजाब प्लेन का, ये पूरा अपना हो गया गंगा प्लेन, और ये अपना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हो गया अपना ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये तीन डिवीजन अपना कहलाता है, मेजर डिवीजन है बेस्ड ऑन द रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ तक ये पॉइंट समझ लेना। अब देखो इसी प्रोसेस में हम लोग दोआब के बारे में भी पढ़ते हैं। दोआब क्या होता है बच्चों, आप इस पार्ट में दोआब के बारे में कैसे समझोगे कि जैसे अगर हम पहले वाले पार्ट की बात करें, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पंजाब रीजन, द पंजाब प्लेन हियर, तो यहाँ पर एक अपना एक फॉर्मेशन होता है दोआब का। दोआब क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो और आप। अब देखो जब हमारा ये जो वर्ड है ना आप, पंजाबी में इसका जो हिंदी मतलब होता है दैट इज पानी, इंग्लिश बोले तो वाटर, तो आपका मतलब होता है वाटर। जैसे हम पंजाब की बात करते हैं तो आप सारे बच्चे जानते हो दैट पंजाब को हम फाइव रिवर्स का उनके संगम से बना हुआ अपना रीजन है ये। तो यहाँ पर फाइव रिवर्स यानी कि आप इंडस और ट्रिब्यूटरीज के बारे में जब हम कहते हैं तो हम पंजाब की बात करते हैं। फाइव, पंच यानी कि पाँच, आब यानी कि वाटर,
ठीक है, जब हम दोआब की बात करते हैं तो प्लेन रीजन में हमारा दोआब का फॉर्मेशन होता है, यानी कि दो रिवर्स के बीच में अपना जो प्लेन रीजन है वो दोआब कहलाता है, दो रिवर्स के बीच में होने वाला अपना रीजन। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इंडस रिवर की यहाँ पर बात कर रही हूँ और यहाँ पर आप देखो अपना दूसरा रिवर फ्लो कर रहा है, मान लो कि ये झेलम रिवर है, तो इंडस और झेलम के बीच में अपना सिंह सागर दोआब है, जो कि आप पंजाब के रीजन में देख सकते हो। ये अपना जेश दुआब है, ये अपना रेशना दुआब है, ये अपना बारी दुआब है। कहने का क्या मतलब है कि दो रिवर सिस्टम के बीच में या दो रिवर्स के बीच में अपना जो प्लेन रीजन फॉर्म होता है उसको हम लोग दुआब कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप अपना दिमाग में रखना बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जैसे रिवर ब्यास की बात हो रही है, ठीक है, इधर सतलज होगा, तो यहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट ये पूरा रीजन जो आप देख सकते हो ये आपका कहला गया दुआब रीजन। ओके, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर्स। यहाँ पर आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब चार पार्ट में बेसिकली होता है, एक भाबर है, तिराई है, फिर आगे आपका भांगर और खादर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो बच्चों जब भाबर की बात करते हैं, अब यहाँ पर वापस से मैं इमेज की तरफ जाने वाली हूँ आपको ये पॉइंट समझाने के लिए। सो हियर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द भाबर रीजन, आपको एक चीज समझनी है कि नॉर्दर्न प्लेन की बात हमने कब की थी। वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन दैट इज एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस, राइट। तो हिमालयस के फुटहिल्स पे जब अपना ये रीजन आ रहा है, ये चार पार्ट में अपना डिवीजन हो जाता है, राइट। तो पहला भाबर रीजन बनता है, फिर तराई है, और फिर अपना दो पार्ट बनता है, ओल्डर और न्यूर अलिवियम का, जिसको हम लोग भंगार या भांगर कहते हैं और खदार कहते हैं या खादर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाबर रीजन कौन सा रीजन होता है बच्चा? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाबर रीजन का जो अपना एक्सटेंट है, विड्थ है, वो अपना 8 to 16 किलोमीटर्स है, एंड इट इज लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स, क्योंकि जो अपना आउटर हिमालयस का अपना लास्ट पार्ट है वो शिवालिक है, शिवालिक के पैरेलल ही अपना भाबर का रीजन है। अब भाबर के रीजन में क्या होता है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिपोजिशन ऑफ बिग पेबल्स। अब मान लो कोई भी हिमालयन रिवर ऐसे ऐसे यहाँ पर अपना वेलोसिटी उनका डिक्रीज हुआ, एक सेकेंड लेट मी डिलीट एवरीथिंग। तो यहाँ पर अगर कोई हिमालयन रिवर ऐसे ऐसे फ्लो करते करते स्लोप से ऐसे यहाँ पर इस रीजन में आते, तो जो भी बड़े बड़े सेडिमेंट्स पेबल्स वो कैरी कर रहे हैं ना, उसका डिपोजिशन इस रीजन में हो जाता है, जिसको हम लोग भाबर रीजन कहते हैं। और जब भाबर रीजन की बात करते हैं ना, तो स्ट्रीम इट डिसअपियर्स इन दिस रीजन। वाई डज इट डिसअपियर इन दिस रीजन? बहुत ही अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है, इन सबको अच्छे से समझो कि भाबर रीजन की जब बात हो रही है ना बच्चों, तो यहाँ पर जो आपके सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं ना, जो आपके बड़े बड़े पेबल्स यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं ना, उनकी पोरोसिटी की वजह से, मतलब कि ये पोरस नहीं है। यहाँ पे क्या होता है ना कि इतने बड़े 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 पत्थर होते हैं ना, कि इन पत्थर से रिवर के पास कोई रास्ता ही नहीं है क्रॉस करने का, तो रिवर जो अपना है ना वो थोड़ा अंडरग्राउंड बहना शुरू कर जाता है। तो इसीलिए जो स्ट्रीम्स है वो भाबर रीजन में आपको बहुत कम नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस रीजन हियर, ये आपको बड़े बड़े पत्थर पेबल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये अपना भाबर का रीजन है। यहाँ पर जो स्ट्रीम है वो आपको बहुत कम नजर आएंगे, ठीक है, ये पूरा अपना डिसअपियर कर जाता है जब हम भाबर रीजन की बात करते हैं, और जैसे हम तराई रीजन में आगे जाते हैं वो रीअपियर करता है। स्ट्रीम डिसअपियर क्यों करता है? इतने बड़े बड़े पेबल्स है ना, इनकी पोरोसिटी की वजह से, ये पोरस नहीं है, और इस वजह से क्या होता है कि अंडरग्राउंड हो जाते हैं और रिवर्स को यहाँ पर रास्ता नहीं मिलता है क्रॉस करने का, दैट इज वाई। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेकेंड रीजन की, वो अपना बनता है तराई रीजन। नाउ तराई रीजन यानी कि हम लोग पूरे नेपाल एरिया की जब बात करें ना बच्चा, वो अपना कहलाता है तराई रीजन, पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न बिहार का भी रीजन है। तो यहाँ पर अब भाबर के नीचे का जो रीजन बनता है वो अपना तराई हो जाता है। तराई रीजन में क्या होता है, एकदम मार्शी अपना लैंड होता है, मतलब कहने का कि यहाँ पर रिवर वापस से, स्ट्रीम वापस से रीअपियर करा, तो यहाँ पर आपका स्वाम्पी और मार्शी लैंड होता है, दैट इज रियली गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और यहाँ पर आपको बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेचुरल वेजिटेशन, जैसे नेपाल में जाओगे तो आपको नेचुरल वेजिटेशन बहुत नजर आएगा, वो बिल्कुल तराई रीजन में। बिहार के ऊपर वाले पार्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारा पानी, बहुत सारा मार्शी लैंड, आपको स्वाम्पी लैंड नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो आप रीजन देखते हो ना, ये अपना कहलाता है तराई रीजन, दैट इज रिच इन वेजिटेशन एज वेल। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि अपना होता है ओल्डर अलूवियम। अब अपना जो थर्ड पार्ट है वो अपना लार्जेस्ट पार्ट है ओल्डर अलूवियम का, जिसमें एक अपना होता है भांगर और यहाँ पर न्यूअर अलूवियम अपना होता है खादर। अब आपके एग्जाम के लिए खादर और भांगर वाला जो पार्ट है ना बच्चा, वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तराई से अब हम आगे के रीजन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर इमेजेस को ही देखो, सब क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आपके पेबल्स है, स्ट्रीम आपका डिसअपियर हो जाता है, 8 to 16 किलोमीटर अपना विड्थ है, ठीक है।
जब हम तराई में आते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन है, पूरा ग्रीनरी है, स्ट्रीम रीअपियर हो जाता है, नेचुरल वेजिटेशन, ग्रीनरी, वाइल्ड लाइफ सब कुछ आपको इस रीजन में मिलेगा, मार्शी और स्वाम्पी लैंड है। फिर हम लोग आगे आगे बढ़े तो अपना ओल्डर एलुवियम और न्यूर एलुवियम का फॉर्मेशन होता है। अब आपके एग्जाम के लिए ओल्डर और न्यूर एलुवियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है भांगर और खादर के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में इनके डिफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द भांगर, कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखना है, दैट इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर। एक टेरेस लाइक फीचर होता है और फ्लड प्लेन्स के ऊपर आपका है, और इसमें जनरली आपके जो कंकड़ यानी कि कैशलेस आपके एलिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो आपके छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, कंकड़, नाम तो सुना ही है, तो ये कंकड़ आपको इस रीजन में बहुत मिलेगा क्योंकि ये ओल्डर एलुवियम से बना है, ठीक है, फ्रेश आपका नहीं है, ओल्डर एलुवियम है। जब हम खादर की बात करते हैं, ये आपका है न्यूर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स, वो अपना ओल्ड ही अपना न्यू बनता है, ठीक है। अब ये अपना काफी फर्टाइल होता है, फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स हियर एंड इट इज आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जहां पर बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है और स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड्स होते हैं, यहां पर एग्रीकल्चर इंटेंसिव तरीके से मैनुअल लेबर की बहुत जरूरत पड़ती है, तो इस तरीके से यहां पर आपको इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, भांगर और खादर को। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहां पर याद रखना है, भांगर हमेशा याद रखना ओल्डर है, खादर की जब बात करते हैं तो न्यूर एलुवियम से फॉर्म होता है, ठीक है। जब भांगर की बात करते हैं, नॉट फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बहुत ज्यादा फिट नहीं होता है, बहुत फर्टाइल लैंड नहीं है, लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं खादर की तो फर्टाइल है। जब हम भांगर की बात करते हैं, कंकर मॉड्यूल्स आपको ज्यादा नजर आएंगे, खादर की जब बात करते हैं तो इट इज आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो यहां पर अगर आप इमेजेस देखो, यही छोटे छोटे आपके जो पत्थर होते हैं ना, तो ये अपना खादर लैंड हो जाता है, ये आप देखो, ये अपना लैंड जो है बच्चा, दैट इज फिट फॉर ग्रोइंग एग्रीकल्चर, ये अपना न्यूर एलुवियम सॉइल से फॉर्म्ड है, फ्लड प्लेन आपका इस रीजन में। जब हम ओल्डर एलुवियम की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, जो कि अपना भांगर है और खादर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड हियर। नाउ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटू, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि यहां तक सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा।